नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं व्याकरण का पहला पाठ, भाषा और व्याकरण। बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं भाषा। आपको पता है भाषा किसे कहते हैं? चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, दूसरे लोगों से मिलता है, उनसे बातें करता है। वह समाज में रहते हुए अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने को सदा उत्सुक रहता है। जो हमारे मन में है वो हम दूसरे को बताने के लिए या दूसरों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस कार्य के लिए वह जिस साधन का प्रयोग करता है वह साधन भाषा है। तो जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनसे कहते हैं, वो जो माध्यम है उसे कहते हैं भाषा। निम्नलिखित को देखो और समझो। यहाँ देखेंगे, बालक पढ़ता हुआ, दो सहेलियाँ बातचीत करती हुई, एक वृद्ध समाचार पत्र पढ़ता हुआ। यहाँ भाषा का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए हो रहा है। अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाया जा रहा है, यही भाषा है। ये देखिए, ये बच्चा लिख रहा है तो ये भाषा का उपयोग कर रहा है। ये दो सहेलियाँ बातें कर रही हैं तो ये भी भाषा का प्रयोग कर रही हैं। यहाँ ये जो पढ़ रहे हैं वो भी किसी ना किसी भाषा में ही लिखा है। तो वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, भाषा कहलाता है। तो ये है भाषा की परिभाषा। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरों के विचारों को भी समझते हैं, वह साधन भाषा कहलाता है। अब है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक जो हम बोलते हैं, लिखित जो हम लिखते हैं। मौखिक भाषा, यह भाषा का प्राचीनतम रूप है, सबसे प्राचीन रूप है, ये सबसे पुराना रूप है। मानव ने सबसे पहले बोलना सीखा। जब अपने विचारों या भावों को बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी को समझाते हैं या उन्हें प्रकट करते हैं तो वह कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप होता है। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए व भाषण देने आदि के लिए हम भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। तो जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, या हम कहीं भाषण देते हैं, तो हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। तो भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम अपने भावों को और विचारों को बोलकर बताते हैं तो वह रूप मौखिक रूप होता है। दूसरे नंबर पर है लिखित भाषा। जब अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझा जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो उसी चीज़ को जो लिखी गई होगी। तो जब हम लिखकर किसी को कुछ समझाते हैं या दूसरे ने जो लिखा है उसे पढ़कर खुद समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। यह भाषा का विकसित स्वरूप है। आजकल विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा के इस रूप का विभिन्न माध्यमों जैसे समाचार पत्रों, पुस्तकों व लेखों आदि में बहुतायत से प्रयोग किया जा रहा है। जब हम अपने विचार किसी को लिखित रूप में समझाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कुछ माध्यम भी चाहिए, तो वही माध्यम होते हैं ये समाचार पत्र, पुस्तक, लेख आदि। तो भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। अब हमें लिखित भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लिखित भाषा की आवश्यकता आज के इस युग में भाषा के लिखित रूप की अत्यंत महत्ता है।
बहुत ज़रूरत है इस रूप की। यह दिन प्रतिदिन होने वाली नवीन खोजों को स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा हमारा प्राचीन साहित्य भी भाषा के लिखित स्वरूप के कारण से ही सुरक्षित हो सका है। यदि भाषा का लिखित रूप ना होता तो हमें अपना प्राचीन साहित्य पढ़ने को ही नहीं मिलता, वह सुरक्षित कहाँ रखा जाता। अतः विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। अब हमारे अंदर या हमारे देश की योजनाओं के लिए बहुत से विचार किए जाते हैं, हम भी अपने मन में बहुत से भावों को सोचते हैं और उनको कहते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी रूप प्रदान करने के लिए उन्हें लिखना आवश्यक है, इसीलिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। तो अब है बोली। भाषा का रूप हर जगह एक सा नहीं होता है, हर जगह भाषा एक सी नहीं बोली जाती है। भारत देश में थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप पाएंगे कि तरह तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं। क्षेत्र विशेष के अनुसार उसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। भाषा के इसी क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। यहाँ पर बोली की परिभाषा भी दी हुई है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। हमारे देश में हिंदी के कई सारे स्थानीय रूप जैसे ब्रज, अवधी आदि देखने को मिलते हैं। लिपि। किसी भाषा को बोलने के लिए हम विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष ध्वनि चिन्हों का। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो हम विभिन्न विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, और अगर अब हमें उन ध्वनियों को लिखना है तो उनके लिए हमें कुछ विशेष ध्वनि चिन्हों की भी आवश्यकता पड़ती है। इन ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। जो ये ध्वनि चिन्ह हम लिखते हैं इस विधि को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये सब आपको याद रखना है बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, ठीक है। तो जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उन्हें लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। कुछ अन्य प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां निम्न प्रकार से हैं, एक तरफ भाषा लिखी है और एक तरफ लिपि। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में और नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आता है व्याकरण। प्रत्येक भाषा के बोलने और लिखने के अपने कुछ नियम होते हैं, इनके पालन के बिना कोई भी भाषा सीखी नहीं जा सकती है। अगर हमें भाषा सीखनी है तो हमें उनके नियमों का पालन करना होगा। भाषा के इन नियमों का परिचय व्याकरण में मिलता है, जो हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान कराता है। तो वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी मिलती है। व्याकरण के भाग, अब व्याकरण के तीन भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। व्याकरण के इस भाग के अंतर्गत भाषा की मूल इकाई वर्ण का अध्ययन किया जाता है। तो भाषा की मूल इकाई क्या है? वर्ण, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण व प्रयोग आदि का अध्ययन करते हैं। फिर है शब्द विचार। वर्णों की सहायता से शब्दों की रचना की जाती है। पहले हमने वर्ण सीखने हैं, वर्णमाला सीखनी है, फिर शब्दों की रचना की जाती है। इस अंग के अंतर्गत हम शब्द रचना, शब्द भेद, उनकी उत्पत्ति तथा रूपांतरण आदि पर विचार करते हैं। फिर वाक्य विचार, शब्दों से वाक्यों को बनाया जाता है। इस अंग में हम वाक्य,
उनके भेद एवं रचना आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो व्याकरण के कितने भेद हुए? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब आप बताएंगे बच्चों कि आपने क्या पढ़ा और क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, इसके कितने रूप हैं? भाषा किसे कहा जाता है, इसके कितने रूप हैं? तो भाषा किसे कहा जाता है बच्चों, बताएं आप? जब हम अपने भावों को दूसरों को प्रकट करने के माध्यम को और दूसरों के विचारों को समझने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। और इसके रूप, इसके दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। बताओ हमें लिखित भाषा की आवश्यकता क्यों है? अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। और बच्चों, ये जो दो प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। चलिए अब हम दूसरे अभ्यास कार्य करते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरो। क देखेंगे, किसी को पत्र लिखना भाषा का लिखित स्वरूप है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा की मूल इकाई वर्ण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखो। भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप लिपि कहलाता है। असत्य, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, सही सत्य है ये। ब्रज हिंदी भाषा की एक बोली है, सत्य। भाषा को बोलने व लिखने के कुछ नियम होते हैं, सत्य। व्याकरण के दो अंग होते हैं, असत्य। व्याकरण के तीन अंग होते हैं। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको भाषा और व्याकरण का यह परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस पाठ का पुनः पाठन स्वयं करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।